नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राहुल पांडे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे में रियायतों पर लगी रोक को हटाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। अभी दिव्यांगजनों और मरीजों को ही ट्रेन टिकटों पर रियायत मिल रही है। कोरोना महामारी के कारण मार्च 2020 में ट्रेन टिकटों पर रेलवे ने कई तरह की रियायतें बंद कर दी थी, लेकिन क्या आपको पता है कि फिलहाल कौन सी और किन लोगों को रियायतें मिल रही हैं? अगर नहीं पता तो चलिए हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 मार्च को लोकसभा में बताया था कि रेल में रियायतें देने से रेलवे पर भार पड़ता है, इसीलिए वरिष्ठ नागरिकों समेत बाकी यात्रियों को दी जाने वाली रियायतों का दायरा बढ़ाना सही नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि कोरोना के कारण रेलवे के रेवेन्यू में काफी कमी आई है। दिसंबर 2021 में रेल मंत्री वैष्णव ने जानकारी दी थी कि यात्री टिकटों की बिक्री से रेलवे को 2019-20 में 50,669 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था, जो कि 2020-21 में घटकर 15,248 करोड़ रुपए हो गया है। 2021-22 में सितंबर तक रेलवे को 15,434 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था। फिलहाल किन किन लोगों को ट्रेन में रियायत मिल रही है इसके बारे में आपको चलिए बताते हैं। फिलहाल जिन्हें रेलवे में छूट मिलती है उनमें दिव्यांग और मरीज शामिल हैं। शारीरिक रूप से विकलांग ऐसे लोगों को किराए में छूट मिलती है जो किसी सहयोगी के बिना यात्रा नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को फर्स्ट और सेकेंड एसी में 50% और बाकी क्लास में 75% तक की छूट मिलती है। नेत्रहीनों को भी राजधानी और शताब्दी गाड़ियों की थर्ड एसी और कुर्सी यान की टिकट पर 25% की रियायत मिलती है। ये छूट नेत्रहीन व्यक्तियों के साथ साथ यात्रा कर रहे एक व्यक्ति को भी मिलती है। मानसिक रूप से विकलांग और मूक बाधिर व्यक्ति को भी मंथली और क्वार्टरली पास पर 50% की छूट मिलती है। कैंसर रोगी और उसके साथी यात्री को 75% की छूट मिलती है। ये छूट स्लीपर और थर्ड एसी में 100% तक रहती है, जबकि फर्स्ट और सेकेंड एसी में 50% की छूट मिलती है। थैलीसीमिया के मरीज, हार्ट और किडनी की समस्या से जूझ रहे मरीजों को भी नियमानुसार छूट मिलती है। इसके साथ ही हेमोफीलिया, टीबी या फिर लुपस वल्गेरिस से पीड़ित मरीज, एड्स और ऑस्टोमी के मरीजों को भी सेकेंड क्लास की टिकट पर 50% की छूट दी जाती है। इसके साथ ही कुछ और भी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को नियमानुसार छूट मिलती है। लेकिन कोरोना के बाद जिन लोगों को रियायत मिलना बंद कर दिया गया है, चलिए उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। इस लिस्ट में शामिल हैं वरिष्ठ नागरिक, पुरस्कार प्राप्तकर्ता, युद्ध शहीदों की विधवा, छात्र, युवा, किसान और कलाकार। इन लोगों को अब किसी भी तरह की सुविधाएं रेलवे में नहीं मिलती है। इसके साथ ही खिलाड़ी, पत्रकार, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ को भी सुविधाएं अब नहीं दी जाती है। रेल मंत्री वैष्णव ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि फिलहाल किसी भी तरह की अभी ये सुविधाएं लागू करने के मोड में नहीं है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अब ये सुविधाएं शुरू भी नहीं होंगी। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।